राम राम हरे हरे, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राम हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ देखो, सब सब घर के सब जितने सब अभी सारे काम को बंद कर दो, सब काम बंद करके यहाँ पर थोड़ी समय के लिए बैठ जाओ। 10 मिनट बाद में सारे काम कर लेना। सब सब बहुओं को बुला लो, बोले काम बाद में होगा। हाँ 10 मिनट बाद में करना। इधर आ जाओ, सबको बुला दो इधर। हाँ देखो, ये जो ग्रंथ है, हम कोशिश करेंगे 3-4 दिन ये ग्रंथ में जो कुछ बताया उसको सुनने के लिए। ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का ये प्रश्न और उत्तर है। भक्तों ने उनको अलग अलग समय पर प्रश्न की, और इन्होंने जो प्रश्न की उसका जो उन्होंने उत्तर दिया है, इसमें उत्तर है। कहती ये कौन थे प्रभुपाद? कहती ये राधा रानी की ये नयन मणि मंजरी। नयन मतलब होता है आँखें हैं, मणि मतलब होता है आँखों में जो पुतला है, हैं वही श्रील प्रभुपाद का रूप धारण करके आए। कहते जब बच्चों पात नहीं करना, इधर देखो मेरे तरफ में, दूर दूर बैठो, पास में मत बैठो, दोनों अलग बैठो, फिर वही हाँ। इसलिए कहते राधा रानी ये बड़े दयालु है, ये जगत का माँ है। जैसे माँ कभी बच्चों का दुख देख नहीं सकती हैं, अगर घर में बच्चे अगर दुखी हो, माँ दुख देख कर सहन कर सकती है? अगर बच्चे भी दुखी हो ना, माँ भी दुखी हो जाते। भले ही माता जी सुखी है, लेकिन अगर बच्चों का दुख देख करके माता कभी दुख को देख नहीं सकती है। बच्चों का दुख से पिता माता दुखी हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कौन हैं? सब भगवान की संतान हैं। इसलिए कहते ना, तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधुश्च सखा तुमैव, तुमैव विद्या द्रविण तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। भगवान ही हमारी पिता माता है, हम सब के सब उनके बच्चे हैं। लेकिन जब ये संसार में हम दुख कष्ट भोग करते हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, जब हम दुख कष्ट को भोग करते हैं ना, ठाकुर जी ये दुख कष्ट को देख करके ठाकुर जी को भी दुख कष्ट होता है, वो भी परेशानी होते हैं। बच्चे अगर खुश हो ना, पिता माता देख कर खुश हो रहते हैं, हमारे बच्चे सब ठीक ठाक हैं। इसलिए जगत का माँ एक तरह से श्री राधा रानी। जब राधा रानी ने देखा जगत में जीवित दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, अभी हमारे दुख को देख करके वो बड़े दुखी हो गई। क्योंकि अगर जिसके पिता बहुत बड़े सेठ हो, हाँ पिताजी बहुत बड़े धनी हो, अगर बच्चा पिता माता की अगर बात नहीं सुने, पिता माता क्या करते? बोले तू अगर बच्चे होकर मेरे बात नहीं सुनते, जा मेरे सारे संपत्ति के पर कोई अधिकार नहीं, निकल जाए यहाँ से, तुम मेरे बात नहीं सुनते हो। अगर बच्चे अगर दुख कष्ट भोग करे लेकिन पिता अथाह संपत्ति के मालिक हो, फिर पिताजी को भी कष्ट होता है। बच्चा एक बार मेरे पास में आ करके इतना बोलते, पिताजी एक्सक्यूज मी, हम सारी दुखी है, हमारी गलती हो गई, माफ़ कर दो, फिर पिता माता क्या करते? गोद में भर लेते हैं। बोले बेटा मैं तो यही चाहता था, हमारी इतना संपत्ति, तू ही तो इसका मालिक है ना, लेकिन तुम मेरे बात नहीं सुनते हो। फिर पिताजी क्या करते हैं? उसको गोद में भर लेते हैं। बोले बेटा तू सारी संपत्ति का मालिक तू ही हो, लेकिन ठीक से रह करके क्या करो, अपना काम धंधा को ठीक से संभालो। उसी तरह राधा रानी हमारी माँ है, जब हमारी दुख कष्ट को उन्होंने देखा, देख करके उन्होंने ये प्रभुपाद को भेजा। बोले जाओ जगत में ये जीव दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, इनको जा करके मेरी उपदेश दो, तुम यह इसी जगत का नहीं हो, तुम तो रहने वाले कहाँ के? भगवान के चरण में, गोलोक वृंदावन में, हम सबके सब उनकी संतान हैं। कहते अमृतस्य पुत्रा,
हम अमृत के पुत्र भगवान की संतान हैं, हम साधारण घर के ये नहीं औलाद नहीं, हम साधारण घर के बच्चे नहीं, हमारा पिता जगतपति जगन्नाथ हमारी पिता हैं। लेकिन उनकी तो पिता संतान था हम, लेकिन संसार में दर 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 हम भटक रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद को इन्होंने भेजा, जा करके ये जीवों को उपदेश दो। क्या उपदेश दो? तुम इसी संसार के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारी घर तो ठाकुर के चरण में, लेकिन उनको भूलने का वजह से इसी संसार में तुम आए हो। चलो भगवान के पास में चलो, अपना घर में वापस चलो, घर का संतान घर में लौट चलो। इसलिए उन्होंने उनको भेजा और इनको अलग अलग समय पर भक्तों ने अलग अलग प्रश्न की और इन्होंने उत्तर दिया है। एक प्रश्न ने, हम आज एक ही प्रश्न उत्तर सुनेंगे। किसने उनको प्रश्न किया? कहते हम लोग जो ये हरे कृष्ण बोलो सबके सब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो जोर करके, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भगवान को पाने का सब अलग अलग मार्ग है, लेकिन विशेष करके कलयुग में जो भगवत प्राप्ति का जो सबसे सरल उपाय है, भगवान बोले कलयुग में ज़्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं। जानते हैं ठाकुर जी, कलयुग का जो जीव है वो ज़्यादा साधन भजन नहीं कर सकता है, इसलिए ठाकुर जी कलयुग में सबसे सरल उपाय रखे, बोले ज़्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं। हाथ में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो। क्या मान कर करो? ठाकुर जी की। प्रभु जी ऊपर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसलिए हाथ में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो। जैसे घर में झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ झाड़ू लगाते हो? बोले घर में झाड़ू नहीं लगा रहे, ठाकुर का मंदिर में झाड़ू लगा रहे। ये जो घर है किसने कृपा करके घर दिया है? ठाकुर ने दिया है ना, तो घर का मालिक हम ना, ठाकुर जी मालिक है, ठाकुर जी मालिक है। अच्छे तरह से सुने चीज को। इसलिए जब घर में झाड़ू लगाओ तो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? बोले ठाकुर जी की मंदिर में झाड़ू लगा रही है। जैसे गोपियाँ, वो भी गृहस्थ तो थी, घर में तो रहती थी, लेकिन हाथों में जो कुछ करती थी कृष्ण की सेवा मान कर करती थी। हैं, इधर बच्चों को थपथपी लगा रही है, लेकिन उधर क्या गा रही थी? बोले गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती। इधर रसोई बना रही है, हाथ में तो रसोई बना रही है, लेकिन मुंह में क्या कर रही थी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हाथ में जो कुछ करती थी कृष्ण की सेवा मानकर करती थी और मुंह में ठाकुर जी की नाम। इसलिए हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की। अरे बोलो जोर से, सही करोगे कि नहीं? ना रोसी बनाते समय इधर उधर को बात करोगे? देखो जब ठाकुर जी के लिए जब रोसी बनती है ना, देखो फोन से ज्यादा बात करती है। इसलिए जब ठाकुर जी के लिए कुछ बनाओ ना, जब ठाकुर जी की नाम को लेकर के कुछ बनाओगे, क्या होगा? जो रोसई है ना बढ़िया बनेगी, रोसई बढ़िया बनेगी रोसई, जब ठाकुर जी की सेवा मान कर करोगे। हैं, अगर इधर उधर की चुगली निंदा करते हुए बात रोसई बनाओगे तो रोसई कभी अच्छी बन ही नहीं सकती है। इसलिए गोपियां जो कुछ काम करती थी ठाकुर जी की सेवा मान करके, हैं, और मुंह में ठाकुर जी का नाम, हाथों में काम, ठीक है। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए, कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, बस ठाकुर का नाम करो और भगवान की भजन करो। इसलिए किसने यहाँ पर प्रश्न किया है, इनका प्रश्न है, भगवत प्राप्ति की हम जो कुछ साधन करते हैं, क्या ये भगवान का कीर्तन ही
ये सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, किसने प्रश्न किया, इसका प्रभुपाद उत्तर देते हैं। भगवत भक्तिर जत्तो प्रकार अंग आचेतन मध्ये कृष्ण संकीर्तन ही एकमात्र प्रधानतम परम प्रयोजनीय अंग। कहते भगवत प्राप्ति की जितने साधन हैं, कहते जो सर्वश्रेष्ठ जो साधन है ये भगवान की नाम है, इससे बड़ा साधन जगत में कुछ नहीं। बच्चे हरे कृष्ण हरि बोल, सबके सब बैठ जाओ, कथा में कहीं नहीं जाना, 10 मिनट बैठ जाओ, इधर उधर बात मत करो, अब भी बैठो यहाँ पे चुप को करके। इसलिए कहते हैं ए बच्चा हरे कृष्ण, ए क्या नाम उसकी, चुप बैठे यहाँ पर 10 मिनट कोई काम नहीं करना। पंडित लोग तुम लोग भी 10 मिनट बैठ जाओ, इधर उधर बात मत करो। इसलिए यहाँ पर बताए, कहते भगवत प्राप्ति की जितने साधन हैं, जो सर्वश्रेष्ठ जो साधन है ये भगवान का नाम है। आप देख लो जिंदगी भर, भले ही तुम जिंदगी भर जो कुछ करना करो, जिसको पूजा करना करो, जो कुछ करना करो जिंदगी भर, लेकिन जब अंतिम समय आएगी, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, उस समय क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही तो बोलते हैं ना, यही तो बोलते हैं। कहते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलते ना। इसका मतलब क्या है, जितने तुमने राम का नाम लिया, जितने तुमने कृष्ण की नाम ली, केवल वही सत्य था, इसके सिवाय तुमने जो कुछ दुनिया में किए हो सब तुमने झूठे में बिताया, सबके सब तुमने झूठे में बिताए, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जा रही है। पत्नी जाएगी रो रो कर कहाँ तक जाएगी, दरवाजा तक जाएगी, उसको आगे नहीं जाएगी। परिवार वाले जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, शमशान तक जाएंगे, उसको आगे कोई भी जाने वाले नहीं, तो आगे क्या जाएगा। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिए है केवल वही मिलेगा, और जगह में सब ही खोवाए। भैया जब संसार में सब कुछ खोगे, जब प्रभु का नाम ही जाएगा, फिर क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन आश्चर्य की बात है, जिंदगी भर तो उल्टा पुल्टा बोलेगा, लेकिन मरते समय जो ये जो राम नाम सत्य किसको सुनाते हैं, ऊपर जो लेटा हुआ होता है ना, जिसको ले जाते हैं जलाने के लिए, उसको ही सुनाते सुनाते जाते हैं, बोले देख बेटा जितने तुमने कृष्ण राम का नाम लिया ना वही जा रहे हैं, और कुछ तेरे साथ नहीं जा रही हैं। जिंदगी भर तो राम का नाम कृष्ण नाम लिया ही नहीं, दुनियादारी बात किए दुनिया भर, और अंतिम समय में सुना रहे। इसलिए क्या करो, जिंदा रहते हुए क्या करो, भगवान की नाम लो, ठाकुर जी की नाम लो जिंदा रहते रहते। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं भगवत प्राप्ति की जगत में जितने साधन हैं, जो सर्वश्रेष्ठ साधन है कलयुग में हरि का नाम। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए वो प्रभुपाद कहते हैं, बोले श्री कृष्ण संकीर्तने परमार्थ जीवन जापने रे सर्वश्रेष्ठ योग्यता लाभ है। जब हम भगवान की कीर्तन करते हैं, जो हम भक्ति का जो जीवन बिता रहे हैं, प्रभु का जो प्रेम का जो जीवन बिता रहे हैं, जो सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान का नाम। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो प्रभु का जो नाम है कि सयने, बोले कब ये नाम लेनी चाहिए, बोले सोते समय भी नाम लो, कि भोजन जो भोजन करते हो तभी नाम लो, कि बात जागरण जब जगे हुए तभी नाम लो, चल रहे हो प्रभु का माला लेकर हरि नाम करते करते चलो, समय के क्यों बर्बाद करोगे। एक एक जो श्वास जा रहे हैं वो करोड़ों रुपया देने पर भी वो श्वास वापस नहीं आएगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते सोते उठते जगते क्या करो, भगवान की नाम को जप करो, दुनिया छूट जाए लेकिन प्रभु का नाम कभी नहीं छूटनी चाहिए, हर समय प्रभु की नाम लेते रहो। इसलिए कहते श्री कृष्ण नाम सर्वशक्ति सर्व शोभा सर्व आकांक्षा परिपूर्ति सर्व साधन चरम लाभ सिद्धि निहिता छे। बोले जो भगवान का जो नाम है
ये ठाकुर जी का जो नाम है उसमें सारे शक्ति दिया ठाकुर जी, इसलिए कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए भगवान ने अपना नाम में सारे शक्ति धर दिया ठाकुर जी के नाम में, इसलिए कहते हरि से बड़ा हरि का नाम है। भगवान का जो नाम है हरि से भी बड़ा हरि का नाम है। बताओ कृष्ण आए किसको किसको उद्धार किया है, भगवान राम आए किसको किसको उद्धार किया, ज्यादा लोग उद्धार नहीं किया है। राम भी अपना भक्तों को लेकर के आए, कृष्ण भी अपना भक्तों को लेकर के आए, उनको ही उद्धार किया। लेकिन उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ कर गए, अपना नाम को छोड़ कर गए। अभी जो जो व्यक्ति ठाकुर जी के नाम को लेते हैं उनको उद्धार हो रहे हैं। इसलिए बोले हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, वाल्मीकि अति दीनहीन था है, कहते सर्व पाप में युक्त था वाल्मीकि, वो दस्युरत्नाकर था। जब उसको साथ में नारद जी मिले बोले एक बार बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, लेकिन उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला, क्यों पापी था ना। इसलिए पापियों का मुंह से ठाकुर का नाम नहीं निकलता है, भले ही दिन भर बैठ करके इधर उधर की बात करे, उसकी चुगली निंदा करे, बोले थोड़ा माला करो, बोले समय कहाँ, वो प्रभु के नाम नहीं निकलता है पापियों के मुंह से। लेकिन वाल्मीकि अति दीनहीन था, सारे पाप से लीन था। लेकिन जो बोले राम बोलो, राम नाम नहीं निकला, बोले मरा बोलो, बोलता था मारो मारो, बोले मरा तो बोल सकता हूँ, बोले हाँ ये तो बोल सकता हूँ है। लेकिन मराम राम करते करते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, अरे नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मन मारी। अगर दस्युरत्ना कर अगर मरा मरा करते करते राम नाम निकल गया हो गया, अगर बेड़ा पार हो गया रामायण लिख लिए, अगर हम सीधा नाम करेंगे तो हमारी क्या कल्याण नहीं होगा, जरूर हमारी कल्याण होगा ही, हमारी कल्याण होगा ही। इसलिए क्या करो, भगवान की नाम को जप करनी चाहिए। इसलिए कहते भगवान के नाम में क्या है, कृष्ण सर्वशक्ति, भगवान ने नाम में सारे शक्ति ठाकुर जी दे दिया है, सारे शक्ति उन्होंने नाम में दे दिया। इसलिए इतने शक्ति श्री भगवान की नाम में है। कहते सर्व शोभा, जितने शोभा प्रभु का नाम में, कहते जितने तुम्हारी इच्छाएं हैं, इसलिए नाम को चिंतामणि बताया। क्या बताया, चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या, जो मांगो वही मिलेगा। इसलिए संतों ने एक उदाहरण देते हैं, अच्छे तरह से सुनो। एक समय एक व्यक्ति जा रहा था, उसके पास में खाली थाली थी, वो चलते 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 देखा 100-100 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, लेकिन थाली उसकी खाली है, उसका कोई मालिक नहीं रास्ता में पड़ा हुआ। अब क्या करोगे बोलो तो, अरे बोलो क्या करोगे, उठा लोगे ना, उसका कोई मालिक नहीं, बेई से पड़ा हुआ, अब तो चोरी कर ही नहीं रहे हो, थाली खाली 100 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, उठा लोगे, भरोगे जितना हो सके। लेकिन जब थोड़ी दूर गए ना, देखा 500-500 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, फिर क्या करोगे, थाली भर गया, फिर क्या करोगे, है भैया थोड़ा चालाक है, कहते निकाल कर फेंक देंगे। हाँ, क्योंकि जब 5 रुपया गड्डी के, फिर 100 रुपया की क्या जरूरत, और थोड़ी दूर गए 2000-2000 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, फिर क्या करोगे, उसको भी खाली करोगे है, 2000-2000 गड्डी भरोगे। लेकिन जब थोड़ी दूर गए ना, हीरे जवाहरात बिखरते हुए मिला, फिर क्या करोगे, 2000 भी निकालोगे, जब हीरे जवाहरात थोड़ी ले लो माला माल हो जाओगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज मिला, जानते हो क्या, जिसको कहते हैं पारस मणि, जो लोहे को भी सोना बना दे, लोहे को भी सोना बना दे, पारस मणि मिला, फिर क्या करोगे, सब फेंकोगे, क्योंकि लोहे और कितना पैसा, लाओ टच कराओ सोना बनते जाएगा है। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज मिली, जानते हो उससे भी कीमती चीज क्या है, जिसको भागवत में कहते हैं श्यमंतक मणि, ये सूर्य देवता ने सत्राजित को दिया था है, जिसको लेकर बड़ी लड़ाई झगड़ा हुई, क्योंकि जहां पर रोज अष्टभार सुवर्ण अपनी आप, सोने की चट्टान अपनी आप निकलता था, अपनी आप निकलेगा, फिर क्या करोगे, पारस पत्थर भी फेंकोगे,
क्योंकि लोहे लाओ टच कर सोना बनेगा, इसी तरह अपने आप सोना निकलेगा, अपने आप सोना निकलेगा। लेकिन और थोड़ी दूर जब गए ना, बोले उससे भी कीमती चीज मिला है जिसका नाम चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या है? जो चिंता करोगे वही मिलेगा, जैसे पारस पत्थर, जैसे स्यमंतक मणि, वो सोना ही सोना देगा और कुछ नहीं देगा। अगर इच्छा होगा ब्रेड पकड़ा खाना चाहते हैं वो नहीं देगा, चाउमीन खाना चाहते हैं, पिज्जा पास्ता खाना चाहते हैं, बढ़िया घर दुकान मकान, वो नहीं देगा आपको। वो केवल सोना ही सोना थोड़ी खाओगे बैठे बैठे करके। लेकिन चिंतामणि मतलब होता है जो चिंता करो वही मिलेगा, इसको कहते चिंतामणि। क्या तो चिंतामणि क्या है? ये भागवत कहता है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शोध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। इसलिए यहाँ पर कहते जो भगवान का जो नाम है ये चिंतामणि है। जो मांगोगे ठाकुर जी को नाम से वही देगा। हनुमान जी जो मांगो वही देते हैं। क्या कोई फैक्ट्री खोल कर रखे हनुमान जी? कहाँ से लाते हैं? कहते भगवान के नाम के बल पर देते हैं। इसलिए हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं? रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम। दिन भर तो सीताराम का नाम लेते हैं, राम की सेवा इसकी बल पर देते हैं। शंकर जी से जो कुछ मांगते हैं धन दौलत तो पुत्र परिवार, कहाँ से शंकर देते हैं? क्या शंकर जी कोई फैक्ट्री बना कर बैठे? कहाँ से देते हैं शंकर जी? कहते पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में भगवान के नाम जप करते हैं, नाम की बल पर देते हैं। मैया देवी को जो मांगो वही देते हैं। कहाँ से लाती हैं? एक हाथ में देखना माला है। ब्रह्मा को जो मांगो वही देते हैं। कहाँ से लाते हैं? एक हाथ में माला है। इसलिए जगत में जो कुछ जीव को प्राप्त हो रहा है ना, वो ठाकुर के नाम की प्रभाव से मिल रहा है, और किससे नहीं, केवल ठाकुर के नाम की प्रभाव से ही सब कुछ दुनिया चलता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जो प्रभु का जो नाम है ना सर्वशक्ति, भगवान से बढ़कर के भगवान की ये नाम है। इसलिए क्या करनी चाहिए? ठाकुर जी को नाम जप करनी चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। देखो हमारे, देखो प्रभु जी, पांडे प्रभु जी को देखो, दिन भर माला ही नहीं छोड़ते हैं। उनको पत्नी को देखो, दिन भर माला जप करते हैं। और देखो बम्बे में माला माला हो रही, बम्बे में अपना सब कुछ, घर में सब कुछ है, लेकिन बेटे को अभी एक महीना तक हमारे साथ में पूरा परिक्रमा की। बच्चे बार बार फोन करते हैं आ जाओ, बोले नहीं तुम लोग को देखो, तुम लोगों के लिए हमने बहुत पैसा छोड़े हैं, अलग अलग सब काम खोल दिया, अपना पैसा कमाओ, लेकिन असली माल तो कमाए, क्योंकि जगत का माल तो यही रह जाएगी, अंतिम समय तो यही माल ही काम आएगा, कोई माल तो काम में नहीं आएगी। इसलिए देखो दोनों पति पत्नी भागवत का भी आनंद ले रहे, सारे फैक्ट्री छोड़ कर यहाँ बैठे हैं। उनको पता है यही काम में आएगा, कोई काम में नहीं आने वाले हैं, यही काम में आने वाली है, हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, कहते सर्व साधन र चरम फल सिद्धि निहिता छे। बोले भगवान का नाम में सारे सब कुछ उसी में, इसलिए नाम के बाद खींची आएंगे आखिर एक दिन श्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम है। एक दिन नाम ही भगवान को खींच करके ले आएगा, भगवान का नाम ही खींच करके एक दिन ठाकुर को ले आने वाले हैं। इसलिए कृष्ण नाम है अमादरे जावतीय क्रिया भी निवेश, जावतीय प्रवृत्ति, जावतीय चिंता, जावतीय धारणा सकल ही नियमित है थाके। इसलिए जो भगवान का नाम में क्या करो, सब कुछ प्रभु का नाम में ही डूबो दो, हैं। जगत में जो संतों का जो पूजा हो रही है, किस लिए पूजा हो रही है? क्योंकि जिंदगी भर प्रभु का नाम लिया। इसलिए कबीर कह रहे हैं, कबीर कहते हैं जगत में मरने में सब जगह डरे, सारा दुनिया मरने के लिए डरता है। अभी कोरोना आया था ना, सबको घर में बंद कर दिया, क्यों? कोई मरना नहीं चाहते। बोलो कौन मरना चाहते हो? कोई मरना चाह रहे हो? कोई मरना चाहते हो? नहीं। लेकिन कबीर जी कहते हैं, कबीर जी कह रहे हैं मैं तो बड़े खुश हो रहा हूँ। किसने पूछा कबीर जी सारा दुनिया तो जगत जग मरने के लिए डरते, तुम क्यों खुश हो रहे? बोले कब मरियो कब भेटियो परमानंद, वो कह रहे हैं इसलिए दुनिया डरते हैं, क्यों भजन नहीं किया, ठाकुर जी का नाम जप नहीं किया, जानते हैं मरने का बाद पता नहीं जमदूत तो डंडे मारते मारते नरक ले जाएंगे,
बैतरण नदी पार कराएंगे, चौरास नरक में भटकाएंगे, फिर पता नहीं कौन पेड़ पौधा जानवर जीवन में जाना पड़ेगा, इसलिए हम डर रहे हैं। लेकिन कबीर कहते मैं क्यों खुश हूं, बोले कारण है जिंदगी भर मैंने प्रभु का नाम जप किया, प्रभु की मैंने भजन की, प्रभु के नाम जप की, मेरे को पता है मेरे को माला ही माल मिलेगा, मेरे को सब कुछ डिपॉजिट है हमारे बैंक में। इसलिए कल सुन रहे थे ना, महाप्रभु बोले जो लखपति बनेगा उसको घर में भोजन करूंगा। बोले प्रभु हम तो कभी लखपति बन ही नहीं सकते। उसी समय लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको है, बोले हम तो कोई 100 रुपया भी नहीं। भगवान क्या बोले, असली लखपति कौन है, जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम जप करते हैं। ठाकुर जी को जो नाम जप करते हैं 1,00,000, वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती हैं, जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कांगाल हुए। इसलिए अगर माला माल जप जमा करना चाहो तो क्या करो, प्रभु की नाम धन को जप करो, प्रभु की नाम जप कर, यही माल ही असली माल है, हैं? इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं क्या करो, संपूर्ण जीवन को भगवान की भजन में संपूर्ण जीवन को लगा दो। इसलिए कर्तव्य नश्वर जगत भोग करिवार प्रवृत्ति हमारे पारिमार्सिकी सुविधा असुविधा प्रवृत्ति समस्त ही अनायास परित्याग करते पारी। कहते भगवान के भजन करने से क्या होगा, जितने तुम्हारी दुख कष्ट है समस्त दुख कष्ट भी दूर हो जाएगा भगवान की भजन में। कितना सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, प्रभु का नाम से ही समस्त दुख कष्ट सब कुछ दूर हो जाएगा प्रभु का। हनुमान जी बताओ, कहते महावीर जब नाम सुना भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, क्यों, राम का नाम जप करते हैं, ठाकुर का नाम जप करते हैं। जो नाम जप करते हैं उसकी नाम लेते ही सब भाग जाते हैं, और जो स्वयं नाम जप कर उसको क्या नहीं होगा बताओ। हनुमान का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, क्यों, प्रभु का नाम जप करते हैं। जो स्वयं ठाकुर का नाम जप करते हैं फिर उसको क्या नहीं होगा। इसलिए क्या करो, भगवान के नाम जप करो, ठीक है ना। रसोई बनाते समय, घर में झाड़ू लगाते समय, बर्तन मलते समय, स्नान करते समय क्या करो, भगवान की नाम को जप करो, ठीक है ना बच्चों। हाँ, हरि नाम करना सबके सब, हरि नाम को द्वारा ही जीवन का परम कल्याण उससे होगा। बैठ करके बिना कारण से समय को मत बताया करो, हैं, घर का जब काम करो ठाकुर का सेवा मान कर करो, पैसा खूब कमाओ, क्योंकि पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी नहीं होगा तो भागवत कथा कैसे होती बता। लेकिन ये चीज को स्मरण करो, ये लक्ष्मी लक्ष्मी तुम्हारा नहीं, लक्ष्मी नारायण की है, लक्ष्मी किसकी है, ये चीज को सोच कर पैसा कमाओ। इसलिए पैसा कमा रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, बस हो गया, खूब पैसा कमाओ, सब कुछ करो, मना नहीं करते हैं ठाकुर जी, किस चीज के लिए मना नहीं किया, सब कुछ करो। लेकिन जो सेंटर है वो ठाकुर जी को सेंटर करके सब कुछ काम करो, फिर तो किसी चीज के दोष नहीं। लेकिन जब ठाकुर को छोड़ करके कोई काम करोगे ना, बंधन, उसका परिणाम बंधन उसका परिणाम है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरित। हे अर्जुन, सब कुछ करो लेकिन मेरे को लेकर करो। जत करोसी जत स्नासी जत जोहोसी ददासी जत जत तपस्वी कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पण। तुम जो कुछ करते हो मेरे लिए सब कुछ काम करो, खाओ तो मेरे लिए, सो तो मेरे लिए, काम करो तो मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए किया करो, बस हो गया। अब क्या करो, ठाकुर को सेंटर बना ना, सब कुछ हो गया, ठीक है ना। सब कुछ करो लेकिन प्रभु का नाम को ले लेकर करो, ठाकुर जी की ले लेकर ठाकुर का करो, क्योंकि इसी जुहा में ठाकुर का नाम जप कर सकते हैं, ठीक है। और एक काम करना, जैसे सवेरे उठ करके नहा धो करके सबसे पहला करते हुए तिलक लगाना, क्या करना, क्या करना, तिलक लगाना, क्योंकि तिलक के बगैर है ना कोई भी तुम काम करते हो उसका फल नहीं मिलेगा। देखना ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, तिलक लगा करके पूजा करते हैं। बोले क्यों, बोले तिलक के बगैर कोई भी तुम काम करोगे निष्फल हो जाते, उसका कोई फल नहीं मिलता है। जैसे कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं तिलक लगा कर भेजते, जहाँ बेटा विजय प्राप्त हो, ये तिलक विजय का लक्षण है। इसलिए ठाकुर जी को देखो तिलक लगाए, ठाकुर भी तिलक लगाए, देखो राम को देखो वो भी तिलक लगाए, हनुमान जी को देखो वो भी तिलक, गणेश जी को देखो वो भी तिलक,
नारायण का देखो आधा मुंह तो ठाकुर का तिलक में भरा हुआ है। जब ठाकुर जी तिलक लगाते हमें क्यों शर्म लगेगी? शर्म नहीं लगनी चाहिए। पुराण में बताए जिसका ललाट में तिलक नहीं है वो ललाट शमशान है, उसका शमशान भूमि बताया, क्योंकि तिलक नहीं तुम्हारी। लेकिन तिलक कैसे लगानी चाहिए? छोटा तिलक नहीं, ऊर्ध्वपुंड। शास्त्र में बताया भगवान राम को देखो, कृष्ण को देखो, नारायण, तिलक कैसे? ऊर्ध्वपुंड। ऊर्ध्वपुंड मतलब क्या? ऊर्ध्व नयति, जो हमें ठाकुर जी को पास में ले चले। फोटा नहीं, शास्त्र में कहीं फोटा तिलक की कहीं नाम नहीं आया है। शास्त्र में आया है ऊर्ध्वपुंड हमें तिलक धारण। हनुमान जी को देखो ऊर्ध्वपुंड है, गणेश जी को देखो ऊर्ध्वपुंड है। इसलिए तिलक है, देखो ये जो तिलक है ना, ये ब्रह्मा है, ये बीच में विष्णु है, ये महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश ये दो ठाकुर की चरण है। उसको नीचे देखो, जैसे ठाकुर का चरण में तुलसी दल देते हैं ना, इसका जो आकृति है मानो ठाकुर जी के चरण में हमने तुलसी दल दिया है। इसलिए देखो कृष्ण राम नारायण का तिलक ऐसे ही तिलक है, ठीक है ना? सबके सब हम एक जगह पर तिलक नहीं, हम द्वादश अंग में तिलक लगाते, बारह अंग में। और ये ब्रज रज है, ये नारद जी ये ब्रज रज को लेकर के वृंदावन से द्वारका गए थे। वहाँ पर भगवान कृष्ण की स्नान कराया गया, वहाँ पर एक गोपी तालाब है, वहीं से ये मिट्टी आती है। क्योंकि जहाँ तक ये मिट्टी आपको नहीं मिलेगी, केवल वहीं पर ही ये मिट्टी आपको, ऐसे मिट्टी वहीं से मिलती है। ये ब्रज रज है, हैं? इसको शरीर में लगाने पर क्या होगा? समस्त पाप दुख कष्ट सब नष्ट हो जाता है। पुराण में बताया जिसको शरीर में तिलक है उसको शरीर में गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गीता सीता लक्ष्मी दुर्गा पार्वती उसकी सब उसकी शरीर में निवास करते हैं। जैसे माताएं हैं ना, आप लोग स्नान करके सबसे पहले क्या करते हो? सिंदूर लगाते हो, मांग भरती हो। ये सुहाग का चिन्ह है, हैं? ये जगत का पति के लिए तो ये सुहाग धारण की, लेकिन जो परम पति, पति का जो पति है उनके लिए क्या है? उसके लिए ये तिलक, ठीक है ना? सब सब तिलक लगाओ, गले में तुलसी की कंठी धारण करो, गले में तुलसी की सबके सब कंठी पहन लेना, ठीक है ना? गले में सबके सब तुलसी कंठी पहननी चाहिए। ये तुलसी लकड़ी नहीं, इसमें पृथ्वी का सारे दवा, ये मेडिसिन, ये तुलसी वृक्ष में सारे मेडिसिन। अभी जो कोरोना निकल, जो कोरोना आया था ना, जो रामदेव बाबा जो कोरोना निकालती, पढ़ करके देखो, ये तुलसी ही उसमें 80% तुलसी, केवल 2% उसमें और दूसरी दवा थी। ये तुलसी में इतने शक्ति, 200 बीमारी की प्रतिषेध का जो मेडिसिन, ये तुलसी वृक्ष में। ये तुलसी कोई साधारण वृक्ष नहीं, ठीक है ना? इसलिए गले में तुलसी कंठी धारण करो, तिलक लगाओ और भगवान की नाम जप कर, बस इससे ही हमारी बेड़ा पार हो जाएगी, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। सवेरे सवेरे 10-20 मिनट सवेरे सवेरे सबके सब बैठ जाना, ठीक है? क्योंकि आप लोग कथा करा रहे हो, हम कोशिश करेंगे 7 दिन में कुछ ना कुछ आपको मिले। सबको जो मिल रहा है तो मिल रहा है, हम सोचते हैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज मिलनी चाहिए, हैं? जैसे अपना जीवन को प्रभु की भक्तिमय, ठाकुर को जीवन के जीवन का प्रेममय जैसे जीवन को बना सके, आपको कुछ मिलनी चाहिए, ठीक है? कल सबके सब आज मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, जो चाहते हैं कुछ अच्छी अच्छी ज्ञान को पाने के लिए, वो सबके सवेरे आए और बैठ कर कुछ उनको कुछ ज्ञान मिलनी चाहिए, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक मिनट कीर्तन कर दो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे।
Hello, Vrindavan Bihari Lal Ki.